कर खाएंगे और उसके बाद पानी, जो सफेद रंग वाली जो गोली है उसे चबा कर खाएंगे, उसके बाद पानी पी लेंगे। सभी लोग अपना अपना दवा अपने बैग से निकाल के खाइए। इधर के लोगों ने खा लिया, राइट साइड बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर में है सर। अभी आपने देखा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दवाई खा रहे हैं। अब आखिर तेजस्वी यादव दवाई क्यों खा रहे हैं, आखिर उन्हें हुआ क्या है जिस वजह से तेजस्वी यादव को भरे मंच में दवा खाने की जरूरत पड़ गई, तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी बीमारी तेजस्वी यादव को नहीं हुई है, बल्कि तेजस्वी यादव अपने लिए नहीं बल्कि बिहार वालों के लिए दवाई खा रहे हैं। अब आखिर बिहार वालों के लिए दवाई क्यों खा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि दरअसल तेजस्वी यादव दवाई खाकर बिहार वालों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप दवाई खा सकते हैं और दवाई खाकर ही आप फलेरिया जैसी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। फलेरिया को खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव भरी मंच में दवाई खाते नजर आए हुए हैं और ये कार्यक्रम दरअसल बिहार सरकार की तरफ से चलाया गया है, जहाँ पर फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम था, जहाँ पर सभी नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव भरे मंच में दवाई खाकर दिखा रहे थे सभी को कि किस तरीके से फलेरिया दवाई खाकर आप फलेरिया जैसी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान कई सारे नेता उप मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मौजूद थे, कई बड़े बड़े अधिकारी भी आए हुए थे, जहाँ पर सभी अधिकारी एक साथ मिलकर फलेरिया की दवाई को चबा कर खा रहे थे और उसके बाद पानी पी रहे थे। ये पूरी जो वाक्या है ये कार्यक्रम के दौरान ही हुई, पूरा कार्यक्रम अच्छे तरीके से पूरा किया गया, जहां पर एक समय ऐसा आया कि तेजस्वी यादव के साथ सभी बड़े अधिकारी मंच से दवाई खाकर आम जनता को दिखा रहे थे कि किस तरीके से दवाई खाकर ही फलेरिया जैसी बीमारी का निवारण किया जा सकता। इसकी तस्वीर भी सामने आई है, आपने तस्वीर में साफ तौर पर देखा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से दवाई खाते नजर आए हैं और ये कार्यक्रम के दौरान हुआ है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।